फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो आपके यूट्यूब की वीडियोस होती हैं उसके बैकलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक क्रिएट करते हैं और उससे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, हमारा डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बढ़ता है, उसी तरीके से आपको यूट्यूब वीडियोज के लिए भी बैकलिंक जनरेट करने होते हैं। जब आप अपने यूट्यूब वीडियोज के बैकलिंक को जनरेट करते हैं तो वहां से आपके जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ट्रैफिक आता है और आपके वीडियोज पर व्यूज भी बढ़ते हैं और आपका वॉच टाइम भी बढ़ता है। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने YouTube चैनल का, तो आप इन बैकलिंक्स को जनरेट करके अपने YouTube वीडियोस के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं, व्यूज बढ़ा सकते हैं और वॉच टाइम भी बढ़ा सकते हैं। हमारे वर्डप्रेस और ब्लॉगर वेबसाइट पे जो हम पोस्ट लिखते हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। वो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बैकलिंक क्रिएशन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ दिखेगा। इसके अंदर मैंने फिलहाल अभी 12 वीडियोस डाले हैं, तो आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूट्यूब वीडियोस के लिए हम बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करें फ्री में, जो फ्री में बैकलिंक्स बनते हैं उसे कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है यूट्यूब वीडियो बैकलिंक जनरेटर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट्स आ गई है। इन सभी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के आप अपने यूट्यूब चैनल का, अपने यूट्यूब वीडियोस का जो बैकलिंक है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन करके यहाँ पे सारे के सारे जो साइट्स हैं वो ओपन कर लेती हूँ आपके सामने। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी जो लिंक्स है वो ओपन हो चुके हैं। अब मैं वन बाय वन करके आपको सारी साइट्स पे बैकलिंक जनरेट करके दिखाऊंगी। तो अभी ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, हम इस पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री यूट्यूब बैकलिंक जनरेटर क्वालिटी वीडियो बैकलिंक्स। तो यहाँ पे आपको बैकलिंक जनरेट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक डालना है। तो जब भी हम अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए बैकलिंक जनरेट करते हैं तो उसमें हमें या तो अपनी आईडी डालनी पड़ती है या फिर अपना लिंक डालना पड़ता है। यहाँ पर हमें अपने वीडियो का लिंक डालना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो है। इस वीडियो का यूआरएल हम कॉपी करेंगे। वीडियो का यूआरएल कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे और यहाँ पे अपना जो URL है उसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो वीडियो के जो बैकलिंक्स हैं वो जनरेट होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे टोटल 111 बैकलिंक जनरेट हो रहे हैं। तो जब तक यहाँ पे बैकलिंक जनरेट होते हैं हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर। तो ये दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैकलिंक टू योर यूट्यूब वीडियो बैकलिंक यूट्यूब जनरेट 2023। तो अभी हमें यहाँ से अपने जो भी वीडियो है उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो वीडियो है वो किस कैटेगरी के ऊपर है। मेरा एजुकेशन पर्पज से है तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन डाला। यहाँ पर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और इसके बाद मैंने यहाँ पर अपने वीडियो का URL पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज वेट वी क्रिएट नाउ बैकलिंक, दिस प्रोसेस कैन टेक अप 1 to 2 minutes, डोंट क्लोज विंडो। अभी आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने सारा का सारा जो बैकलिंक है वो जनरेट कर दिया है। यहाँ पे जितने भी बैकलिंक्स है उन सबका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके ओके ओके। जितना भी बैकलिंक्स है उन सबका जो स्टेटस है वो ओके आ चुका है। अभी इससे पहले जिस वेबसाइट पे हमने बैकलिंक क्रिएट किया था वहाँ पे भी जाके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा स्टेटस ओके हुआ या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 111 थे टोटल बैकलिंक्स, जो आप देख सकते हैं सबका सब यहाँ पे सक्सेस शो कर रहा है। यहाँ पे जितने भी आपके बैकलिंक जनरेट हुए हैं उन सबको चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो बैकलिंक है वो जनरेट हुआ या नहीं, आपका वीडियो यहाँ पे रन कर रहा है या नहीं। तो मैंने दो ऊपर के दो URLs पे क्लिक किए हैं और फर्स्ट जो URL है वो ये है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो वीडियो है वो शो कर रहा है। यहाँ पे प्ले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्ले हो जाएगा। दूसरी जो साइट है वहाँ पे भी मेरा ये वीडियो अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी प्ले बटन शो कर रहा है और मेरा वहाँ पे टाइटल, मेरा जो थंबनेल है वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा ये जितने भी सक्सेस यहाँ पे दिख रहे हैं आप इन सब पे क्लिक करके अपना जो बैकलिंक आपका क्रिएट हुआ है नहीं वो आप देख सकते हैं। तो मैंने एक और लिंक पे क्लिक किया है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरा वीडियो शो कर रहा है। मैं सबसे लास्ट वाले URL पे चेक करके देखती हूँ कि यहाँ पर मेरा वीडियो का URL जनरेट हो रखा है या नहीं। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरा जो टाइटल है सबसे ऊपर वो आ चुका है और यहाँ पे मेरी वीडियो भी आ चुकी है। तो आप इस तरीके से अपना जो बैकलिंक है वो इस साइट पे जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा बैकलिंक बहुत इजीली जनरेट हो चुका है। अब वापस से इस साइट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सारा का सारा स्टेटस जो है वो ओके शो कर रहा है। यहाँ पे भी आप अपने URLs को चेक करने के लिए एक बार क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला URL अभी ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर इफ द वीडियो डज नॉट प्ले डू नॉट क्लिक ऑन वॉच ऑन YouTube। यानी कि यहाँ पे इस वाला जो ये वाला जो आपको प्ले बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और क्लिक करके
वीडियो को वॉच करना है। लेकिन अभी ये वीडियो मेरा चल नहीं रहा है अभी, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है वो थोड़ा स्लो है, इसलिए यहाँ पे आज चल नहीं रहा है। तो मैंने बस आपको बता दिया कि यहाँ पे भी जितने भी आपके URLs जनरेट हुए, जितने भी बैकलिंक जनरेट हुए YouTube के, जैसे अभी हमने चेक किया था पहली वेबसाइट पे, वैसे ही सेम टू सेम आप इस वेबसाइट के सारे URLs को भी चेक कर सकते हैं। तीसरी हमारी जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी URL मांग रहा है वीडियो का। मैंने यहाँ पे भी अपने वीडियो का URL डाल दिया है, और URL डालने के बाद जनरेट बैकलिंक पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बैकलिंक्स है वो जनरेट होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आपको स्टेटस शो कर रहा है, तो अभी जितने भी बैकलिंक्स है वो जनरेट हो रहे हैं वन बाय वन। आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने अभी स्क्रॉल किया है नीचे तक, ये सारा का सारा अभी जस्ट ये क्रिएट हो रहे हैं बैकलिंक्स। तो अभी हम इनको क्रिएट होने देते हैं। कुछ बैकलिंक्स के स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चेक हुआ दिखेगा। जब तक ये जो सारे बैकलिंक्स है वो इस साइड पे क्रिएट हो रहे हैं, हम नेक्स्ट वेबसाइट का भी बैकलिंक एक बार जनरेट करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी फोर्थ वेबसाइट है कूल SEO टूल्स। यहाँ पे भी आपको अपने वीडियो का URL ही डालना है। तो मैंने यहाँ पे अपने वीडियो का URL डाल दिया, और वेरिफिकेशन में हमें यहाँ पे जो कोड दिया होगा वो कोड यहाँ पे डालना है, और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी बैकलिंक जनरेट होने शुरू हो चुके हैं, जो बैकलिंक जनरेट होता जा रहा है यहाँ पे आपको स्टेटस में सक्सेस शो करता जाएगा। अभी हम प्रीवियस साइट को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना अभी जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे अभी भी बैकलिंक्स का जनरेशन प्रोसेस चालू है, तो अभी हम इसको कुछ भी नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, अभी ये जनरेट होता रहेगा। इस वाले पे भी जनरेट हो रहा है धीरे धीरे। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर हमारे जो यूट्यूब के URLs हैं वो जनरेट हो चुके हैं, जितने भी बैकलिंक्स हैं वो जनरेट हो चुके हैं। इससे पहले भी मैंने जहाँ पे अपना URL पेस्ट किया था बैकलिंक जनरेट करने के लिए, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेटस है वो क्या शो कर रहा है। आपको कुछ जगह पे ये क्रॉस दिख रहा होगा, ये क्रॉस इसलिए हो सकता है कि ये जो साइट्स हैं वो बंद हो चुकी होंगी अब, इसीलिए वहाँ पे जो बैकलिंक्स हैं वो क्रिएट नहीं हुए हैं। पर काफी सारी वेबसाइट्स में आपके जो बैकलिंक्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। आप वन बाय वन करके इन सभी वेबसाइट पे अपने जो बैकलिंक्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे जितने भी हमने बैकलिंक जनरेट किए हैं वो सब वर्क कर रहे हैं नहीं। अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो बैकलिंक है वो नहीं चल रहा है, ये बोल रहा है कांट बी रीच, यानी कि ये वाली जो साइट है वो बंद हो चुकी होगी। दूसरे वाले पर क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जैपनीज URL है, यहाँ पर ये जो मेरा वीडियो का बैकलिंक है वो जनरेट हो चुका है। तो आप ऐसे ही करके यहाँ पर भी अपने सारे के सारे बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वेबसाइट के ऊपर हम अपने बैकलिंक को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये geotools.com है, यहाँ पर भी आपको अपना बैकलिंक जनरेट करने के लिए वीडियो का URL यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे URL पेस्ट कर दिया है, और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग चालू हो गई है, यहाँ पे अभी वन जनरेट हुआ है बैकलिंक, तो ये इसका स्टेटस सक्सेस कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कितने हैं, नीचे 65 के अराउंड यहाँ पे बैकलिंक्स जनरेट हो रहे हैं। तो अभी हम इसको जनरेट होने देते हैं और देख लेते हैं अगली वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक जनरेट करके कि उस पे बैकलिंक कैसे जनरेट होगा। तो अभी ये जो वेबसाइट है backlinkmaker.seowebchecker.com, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है YouTube वीडियो बैकलिंक जनरेटर एंड बैकलिंक मेकर वीडियो SEO। उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एंटर वीडियो आईडी लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे वीडियो का आईडी डालना है। वीडियो का आईडी क्या होता है अभी आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये जो HTTP के बाद आपको दिख रहा है इसे हमें हटा देना है, और ये जो स्लैश के बाद जो 11 डिजिट्स होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लास्ट के 11 डिजिट्स को आपको यहाँ पे रहने देना है। यही जो 11 डिजिट्स है यही आपका वीडियो का आईडी है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है जस्ट एंटर योर YouTube वीडियो आईडी इन बिलो बॉक्स। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया हुआ है जो आपका HTTP है यहाँ से यहाँ तक, फुल स्टॉप तक हमें हटाना होता है, और उसके बाद जो 11 डिजिट के कोड बचते हैं ये हमारा वीडियो का आईडी होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने YouTube वीडियो का आईडी पेस्ट कर दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे YouTube बैकलिंक पिंग पे क्लिक करना है। ये आप देखिए यहाँ पे पिंगिंग YouTube वीडियो बैकलिंक्स, जो आपका YouTube वीडियो का आईडी है वो यहाँ पे शो करेगा, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि आपके धीरे धीरे करके आपके जितने भी बैकलिंक्स है वो क्रिएट होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जियो टूल्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर हमारे जितने भी बैकलिंक्स हैं 68 के अराउंड यहाँ पे बैकलिंक्स थे, 65 है, ये सारे के सारे बैकलिंक जनरेट हो सकते हैं। आप किसी भी URL पे क्लिक करके आप अपना बैकलिंक जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा बैकलिंक जो है जनरेट हो चुका है, ये कोई वेबसाइट है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मेरा जो वीडियो है वो क्रिएट हो चुका होगा, वो अभी मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, पर अगर यहाँ पे URL आया है मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे वीडियो का URL इस वाली वेबसाइट के ऊपर जरूर होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपका जो वीडियो
वीडियो का बैकलिंक है वो जनरेट हो हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप वन बाय वन करके सारे के सारे URLs को चेक कर सकते हैं कि आपके जो बैकलिंक्स है वो इन वेबसाइट्स पे जनरेट हुए हैं या नहीं। उसके बाद जो अभी हमने नेक्स्ट वेबसाइट पे अपना जो बैकलिंक क्रिएट किया था उसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा बैकलिंक जनरेट हुआ है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे एक URL पे क्लिक करके देखते हैं, किसी भी URL पे क्लिक करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक, अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरा वीडियो आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो वीडियो है वो आ चुका है, यानी कि मेरे वीडियो का जो बैकलिंक है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब कोई दूसरा URL भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मेरा जो वीडियो है वो आ चुका है, यहाँ पे भी यानी कि मेरा जो बैकलिंक है वो जनरेट हो चुका है। अगर कोई भी बाय चांस आपका कोई भी URL इसमें ओपन नहीं होता है, इसका मतलब जैसे ये देखिए ये वाला URL मेरा ओपन नहीं हुआ है, इसका मतलब है ये साइट जो है वो बंद हो चुकी होगी, इसलिए ये वाला URL है वो ओपन नहीं होता है। अभी जो नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी वो है द SEO टूल्स। यहाँ पे भी आपको अपना वीडियो का URL डालना है, तो वीडियो का URL आप डालिए और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा और आपका धीरे धीरे बैकलिंक्स यहाँ पे जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जब सारा का सारा बैकलिंक जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सक्सेस शो कर देगा। यहाँ पे भी 65 URLs हैं जिसपे आपका बैकलिंक जनरेट होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक और स्मॉल SEO टूल वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना जो वीडियो का बैकलिंक है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी आईडी डालनी है, जो आपके वीडियो की आईडी है वो डालनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईडी डाल दी, ये मैंने इसको हटा दिया और ये मेरा आईडी आ गया। नीचे यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखना है, यानी कि आपके 1-2-3 कीवर्ड्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, जो हम यहाँ पे इसका टाइटल देते हैं, उसी को मैं एक बार कीवर्ड में डाल के देखती हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको कितने बैकलिंक जनरेट करने हैं। तो अगर आपको जो यहाँ पे मैक्सिमम 1300 तक बैकलिंक्स आप जनरेट कर सकते हैं, तो आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बैकलिंक्स जनरेट करके चेक कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे 100 का ही ट्राई करती हूँ। मैंने 100 डाला और स्टार्ट बैकलिंकिंग पे क्लिक कर दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिंग बैकलिंक्स, प्लीज वेट ओवर 100 गोइंग टू सबमिट। अभी यहाँ पे धीरे धीरे सबमिट हो रहा है, यहाँ पे 1-2 आ चुका है, बाकी यहाँ पे धीरे धीरे सबमिट हो रहा है। तब तक हम इससे पहले वाली वेबसाइट को चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे अभी तक कितना प्रोसेस हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बैकलिंक का प्रोसेस जो है वो चालू है। टाइम लगता है इन सब वेबसाइट्स पे धीरे धीरे बैकलिंक जनरेट होते हैं, तो जब तक ये जनरेट होंगे आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इतने देर में आपने जितने और अलग अलग वेबसाइट्स को चूज कर रखा होगा वहाँ पे जाके आप अपना जो यूट्यूब वीडियो का बैकलिंक है वो जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा ये नेक्स्ट वेबसाइट है, यहाँ पे भी हमें अपने वीडियो का URL डालना है। तो मैंने यहाँ से अपने वीडियो का जो URL है वो कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे भी प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेरे बैकलिंक जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करके आपको जितने भी बैकलिंक्स है उन सबको जनरेट करना है। अभी ये सक्सेस होंगे तो जितने भी सक्सेस हुए हैं आप यहाँ पे जाकर के वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं कि ये देखिए ये वाला जो साइट है वो नॉट रीच हो रहा है, यानी कि वो जो साइट है वो बंद हो चुकी होगी। नेक्स्ट URL पे क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे मेरा जो बैकलिंक है वो बना हुआ है, बन चुका है। तो अभी जितने भी वेबसाइट्स यहाँ पे भी बनेंगी उन सब पे भी आप वन बाय वन करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे भी जितने भी आपकी जो बैकलिंक्स बनेंगे, अभी यहाँ पे 42 बना है, धीरे धीरे ये और बन रहा है। नीचे ये 43 हुआ, ये 46 हो चुका। ऐसे ही कर करके सारे के सारे बैकलिंक यहाँ पे भी आपके जनरेट होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी URL पे क्लिक करके अपने बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आपको सारे के सारे बैकलिंक्स को जनरेट कर लेना है। जितनी ज्यादा वेबसाइट्स पे आप अपने वीडियो के बैकलिंक्स बना सकते हैं उन सब पे अपने बैकलिंक्स बनाइए। तो अभी मैंने सिर्फ अपने एक वीडियो का बनाया है, आप चाहें तो वन बाय वन करके बहुत सारे वीडियोस का बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको YouTube वीडियोस के लिए बैकलिंक क्रिएट करना सिखाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अगर किसी आपके फ्रेंड्स को रिक्वायरमेंट है ऐसे वीडियोस की तो उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने वेबसाइट के लिए 6 प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करना बताऊंगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।